हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनीज ब्लॉग। मैं सोकर उठ गई हूँ और अभी बज रहे हैं 7 के पहले ही, मतलब अभी तो बज रहे हैं 7:20 हो रहा है। मैं उठी थी तो 7 बज रहा था, वॉशरूम वगैरह गई, ब्रश किया और अब मैं थोड़ा छत पे आके टहलने के लिए आई कि थोड़ा सा टहल लेती हूँ सुबह सुबह। और अभी का मौसम क्या है, सुबह सुबह ना थोड़ी थोड़ी ठंड जैसी लग रही है क्योंकि विंटर आने वाला ही है, बस मतलब ऑलमोस्ट आ ही चुका है। थोड़ा बहुत लगता है ठंड हल्का हल्का सुबह सुबह। तो मैं यहाँ आई हूँ मफ़ी को घुमाने सुबह सुबह और थोड़े से फूल भी तोड़ने आई हूँ, आपको दिखाती हूँ मैंने इतना फूल तोड़ा है क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा कल से। तो आज से गर्भ की सफाई हो चुकी है, मंदिर की सफाई करनी है, पूजा करनी है, अभी फूल खरीदेंगे भी हम, लेकिन ये सब मैंने तोड़ लिया है क्योंकि माता रानी पे ये फूल चढ़ता है इसीलिए। और लाल फूल यहाँ पे मिलता नहीं है, सुबह सुबह ही तोड़ लेते हैं सब कोई, मतलब अरुण का जो फूल होता है। चल वापस घर चल, हो गया, बहुत घूम लिया तूने। अब मैं जा रही हूँ घर और मैंने फूल माला भी खरीद लिया, ये देखिए। और चलो मफ़ी, चलो जल्दी चलो। अब ऐसे मफ़ी को सुबह सुबह लेकर आने में मेरी भी वॉक हो जाती है और मफ़ी की भी वॉक हो जाती है। चलो मफ़ी, ये देखिए क्या कर रहा है। मैं आ चुकी हूँ घर और मैं ये मतलब ग्राउंड से ये एलोवेरा भी तोड़कर लेकर आई थी, इसका मैं यूज़ करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसका क्या यूज़ करने वाली हूँ और मुझे मिला नहीं। मैं कड़ी पत्ता भी ढूंढ रही थी, कड़ी पत्ता और हिबिकस के जो पौधे थे उसमें पत्ते ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिला नहीं। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ आपके साथ इसके साथ क्या करते हैं और क्या करूँगी मैं। तो सबसे पहले मैं घर का काम कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस है और उनको पूजा भी करना है। तो मैंने एलोवेरा को पहले फ्रिजर में रख दिया, इसको मैं फ्रिज में डाल देती हूँ पहले क्योंकि जब मैं यूज़ करूँगी तब मैं निकालूंगी इसे। तो यहाँ मैंने फ्रिज में डाल दिया है एलोवेरा और मैं यहाँ पे थोड़े से बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि रात में बहुत लेट हो गया था, अभियान को सुलाना था, इसलिए मैं बर्तन नहीं धोई थी, थोड़े से बर्तन थे, आधे बर्तन धो लिए थे इसीलिए। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो लेती हूँ पहले, तो उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना की तैयारी करते हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सारे बर्तन धुल गए हैं और बस अब किचन भी मैंने साफ कर लिया है, अब मैं जाती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। तो देख आपको मैं दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट में मैं क्या बनाने वाली हूँ आज। फ्रिज में सब्जियाँ देखती हूँ क्या क्या है, आपको दिखाती हूँ फ्रिज। तो आज है गोभी और यहाँ है बैंगन और भिंडी। तो मैं सोच रही हूँ गोभी बना देती हूँ, तो गोभी निकाल देते हैं और गोभी की सब्जी बनाते हैं। मैंने ले लिया गोभी, 2 आलू, 1 टमाटर। तो यहाँ मैंने काट लिए सब्जियाँ, अब मैं बनाने जा रही हूँ सब्जियों। यहाँ बन गया सब्जी गोभी आलू का, क्योंकि मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, सूखी सब्जी बनाई है क्योंकि बिना लहसुन प्याज के सूखी सब्जी ही अच्छी लगती है। तो अब मैं इसको ऑफ कर रही हूँ और रोटियाँ बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ लगा लिया मैंने आटा, अब इसकी मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सारी रोटियाँ बना ली है और उसमें घी लगा दे रही हूँ क्योंकि घी लगाने से रोटी थोड़ी नरम रहती है बहुत देर तक। तो घी लगा दिया मैंने सारी रोटियाँ में, उसके बाद दूध भी आ गया था, दूध को मैंने चढ़ा दिया है गैस पे उबलने के लिए और यहाँ अव्यान के लिए दूध रोटी फुला के रख दिया था मैंने। हेलो जी, तो ब्रेकफास्ट बन गया और
अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहाकर मंदिर साफ करना है। जब तक हस्बैंड सो रहे हैं वो पूजा करेंगे और मैं भी पूजा कर लूँगी। तो हेलो गाइस, अब व्यायाम सोकर उठ गया था तो वापस से मुझे उसे सुलाना पड़ा, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो अभी बज रहे 9, अब मैं जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, नहाती हूँ और उसके बाद करते हैं पूजा। तो जैसे मैं नहाने जा रही थी वैसे मैंने फिर छत पे देखा कि छत तो गंदा है और पत्ते वत्ते भी बहुत सारे गिरे हुए हैं, तो इसलिए मैं छत को क्लीन करने लग गई। तो सारे पौधे में पहले मैंने पानी दिया, क्योंकि 3-4 दिन से मैंने पौधे में पानी दिया ही नहीं था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैं सोची अभी डाल देती हूँ, सारे पौधे में पानी डाल देती हूँ और छत को भी क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा आधा घंटा लेट भी नहा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हस्बैंड आज घर में है तो अब व्यान को संभाल लेंगे, उठेगा तो इसीलिए मैंने सारे पौधे में पानी डाल दिया और ये भी छत को भी क्लीन कर दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनीज ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने सुबह से ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया था लेकिन ब्लॉग की स्टार्टिंग ही नहीं की थी, वेलकम ही नहीं किया था, इसलिए अभी नहा धोवा कर वेलकम कर रही हूँ। और अभी बज रहे हैं, अभी 10:30 बजने वाले हैं और जब मैं 9 बजे नहाने जा रही थी तो मुझे याद आया कि छत को भी क्लीन करना है। तो मैंने देखिए छत को पूरा क्लीन कर दिया, पौधे में पानी डाल दिया, सारे काम कंप्लीट कर लिए। अब मैं जाती हूँ मंदिर साफ़ करती हूँ, पूजा करती हूँ, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ सारे पूजा के बर्तन मैंने धो लिए हैं। अब मैं ले जाती हूँ इनको मंदिर में, मंदिर भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। तो गाइस पूजा हो गई है, अब व्यान अभी भी सोया हुआ है क्योंकि वो उठा था तो मैंने उसको वापस फीड करा के सुला दिया था। अब मैं जा रही हूँ उसको उठाती हूँ और मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह से इतनी भाग दौड़ थी यहाँ, क्या बोलूँ। पूजा हो गया है, आज है, कल से नवरात्रि स्टार्ट है तो आज से होता है ना कि साफ सफाई, गंगा जल वगैरह छीट छाट के घर को शुद्ध कर देते हैं। तो बस पूजा कर लिया है मैंने, कल से नवरात्रि स्टार्ट है, कल से पहला नवरात्रि है, नवरात्रि का पहला दिन है, कल से हस्बैंड पूजा करेंगे। तो हाफ रही हूँ, इतनी सांस चढ़ने लग गई, सीढ़ी चढ़ के आई ना ऊपर इसीलिए, और धूप निकल गई पूरी, एकदम कड़क धूप निकल गई, आप देख ही सकते हैं। पूरा छत भी क्लीन हो गया, सब कुछ हो गया मेरा काम। अब मैं जा रही थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करने के बाद। देखिए इस बच्चे को, अभी अभी शो के उठा है, कोई 11 बजे शो के उठता है क्या? हाँ मेरा सोना बेटा उठ गया है सोकर, 11 बजे सो के उठा है, इतनी लेट नहीं उठता है ये, आज ही इतनी लेट उठा है ये, 9 बजे तक उठ जाता है ये, 9 बजे तक मेरे काम भी कंप्लीट हो जाते हैं ऑलमोस्ट। और जो काम मतलब मेरा नहाना नहीं होता है 9 बजे, मैं लेट से नहाती हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी नहा ली, छत भी क्लीन करना था इसलिए लेट हो गया और इसको आज लेट ही उठा है। और हस्बैंड का भी ऑफिस आज ऑफ है तो ये सोया हुआ था उनके साथ ही, और ये अभी उठा है। तो अब मैं इसको जा रही हूँ फ्रेश कर देती हूँ, थोड़ा मालिश वालिश कर, मालिश वालिश करती हूँ और इसको खाना खिला देती हूँ।
मम्मा को किसी कर दो पहले, पप्पल पहले मम्मा को किसी कर दो। ओले ओले ओले। तो मैंने अव्यान को खाना भी खिला दिया था और नहला भी दिया था और उसको बस रेडी कर रही हूँ, नहला धुला कर फ्रेश कर दिया है तो ये थोड़ी देर बाद फिर से सो जाएगा, इसको सुला देती हूँ मैं। और ये नहाने के बाद ना बहुत जल्दी सो जाता है ये, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती। तो थोड़ा सा ये खेल रहा था ऐसे करके, आप देखिए ये चलने की कोशिश कर रहा है। अब धीरे धीरे क्या है ना कि ये चलने की कोशिश करने लग गया है। हाय गाइस, तो अभी बज रहे हैं दो बज चुका है। मैं सो गई थी अभियान को सुलाते सुलाते, नींद आ गई थी मुझे। तो अभी मैं अचानक सो के उठी तो लंच के लिए मैं नीचे आ गई किचन में कि बना लेती हूँ फटाफट कुछ हल्का। तो अभी मैं, आज सैटरडे है वैसे भी, तो मैं सोच रही हूँ खिचड़ी बना लेती हूँ क्योंकि अभियान भी खिचड़ी खाता है, तो खिचड़ी बना लेते हैं हम तीनों के लिए। तो चलिए खिचड़ी बनाते हैं, आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। तो यहाँ मैंने चावल ले लिया है, इसमें मैं दाल डालूंगी। आप कोई भी दाल यूज़ कर सकते हैं, मैं अभी मसूर का दाल यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूंगी। तो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है दाल चावल को और पानी भी डाल लिया है इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ सब्जियां काट के। सब्जी में मैं डाल रही हूँ दो आलू और ये थोड़ा सा मेरे पास पम्पकिन है तो ये भी मैं डाल दूंगी खिचड़ी में। और गोभी भी है तो गोभी मैं नहीं डालूंगी क्योंकि गोभी का सुबह भुजिया बनाया था तो बचा हुआ है, तो वही यूज़ कर लेंगे हम लोग खा लेंगे। तो ये सब्जियाँ मैं डाल रही हूँ, अगर मटर वगैरह होता तो वो भी डाल देती लेकिन नहीं है तो ये दोनों ही डालूंगी सिर्फ। मैंने यहाँ पे सब्जियाँ भी डाल दी है, आलू भी डाल दिया है, जो भी टमाटर सब्जी होता है वो। कुकर को गैस पे चढ़ा दिया, अब इसको 4 से 5 सीटी हम लगाएंगे तो खिचड़ी बिल्कुल अच्छे से पक जाएगी। तो खिचड़ी हो गया है, इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करूंगी क्योंकि सूख गया है खिचड़ी। तो यहाँ मैंने अव्यान के लिए खिचड़ी निकाल लिया है, ये अव्यान खाएगा और इसमें मैं तड़का लगाऊंगी ये वाली खिचड़ी में। तो यहाँ मैंने तड़का पैन चढ़ा दिया, अब मैं डालूंगी इसमें सरसों तेल। अब हम इसमें डालेंगे एक सूखी मिर्च और जीरा, थोड़ा सा लाल मिर्च बस। यहाँ लगा लिया मैंने खिचड़ी को तड़का और इसको अच्छे से मिला देंगे हम। यहाँ हमारा खिचड़ी बनकर तैयार है, सिंपल एंड इजी और हेल्दी खिचड़ी रेसिपी, ये देखिए। और जब हम सर्व करेंगे ना तो इसके ऊपर हम घी डाल के खाएंगे तो इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ मैंने अव्यान के लिए खिचड़ी को अच्छे से मैश कर लिया है, अब मैं डालूंगी इसमें घी और अव्यान को खिलाऊंगी। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं 5:30, 5:30 बजने वाला, अभी बजा नहीं है, मतलब 5:10 हो रहा है। और अव्यान
गाड़ी में बैठ चुका है अपने, बाहर जाने के लिए रेडी है, बोल रहा है बाहर ले, मतलब शाम होते ही वो परेशान होता है कि बाहर लेके चलो, अब क्योंकि अब मैं उसको लेके जाती हूँ तो आदत सी हो गई है। अभी मैंने उसे गाड़ी में बैठा दिया, अभी मैं कपड़े उतार लेती हूँ, यहाँ से थोड़े कपड़े हैं मेरे डाले हुए, वो सब कपड़े मैं हटा लेती हूँ, उसके बाद अभियान को थोड़ा रेडी करते हैं, उसके बाद चलते हैं पार्क। शोना घूमी 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 मम्मा घूमी ची दो, मम्मा किसी मांगती है तो थप्पड़ मारते हो गंदे बच्चे, बैड बॉय किसी। इधर देखो इधर देखो देखो, मैं सोच रही हूँ अभियान को ले जाने से पहले नीचे वाले छत पे तो पानी डाला ही था मैंने सुबह सुबह सारे पौधे में, और छत भी क्लीन कर दिया था मैंने, तो ऊपर वाले छत पे बहुत सारे पौधे हैं जिसमें पानी नहीं डाला है, तो अभी मैं पानी डाल दूँगी ऊपर वाले छत पे। और ये मैं बीज लेकर आई थी जब मैं पार्क गई थी सुबह सुबह मफी को घुमाने, तो ये बीज को भी मैं लगा दूँगी, फूल का है ये, इससे बड़ा हो गया तो फूल निकलेगा, जो मैं फूल लेके आई थी बाहर से ना अपराजिता फूल वो वाली। तो चलिए वीडियो पर रेडी है, तो ये है हमारा ऊपर का छत जिसमें बहुत सारे पौधे सूख रहे हैं, मतलब पानी ज़्यादा नहीं डाल पाती हूँ ऊपर आकर मैं, तो अभी मैं डालूँगी यहाँ पे, और इसमें लगाऊँगी मैं फ्लावर का गाछ पौधा। खोद दिया है यहाँ पे, तो ये है बीज, इसके अंदर है बीज, तीन चार पीस है इसके अंदर, तो इसको मैं अब लगा दूंगी जहाँ मैंने अच्छे से मिट्टी को खोद दिया है, अब उसके अंदर मैं गाड़ दूंगी, और ये 15-20 दिन लगेंगे इसको उगने में। चलिए दिखाती हूँ आपको, और अभियान को देखिए आप, अभियान को भी ऊपर लेके आए थे और पौधे में पानी डाल रहे हस्बैंड, उसको भी लेकर आए थे, और उसको देखे क्या कर रहा है वो, ये देखिए ये देखिए, इसे भी अब मिट्टी से खेलना है। मतलब जहां पे मैं रहूंगी ना वहीं पे सबको आना है, मफी को भी आना है, इसे भी आना है, सबको आना है। तो इसके अंदर से इतने सारे बीज निकले हैं, अब इसको मैं एक एक करके यहाँ पे एक बीज डालूंगी, लटकने दो जान दो, ये रहा बीज, इसको यहाँ डाल देंगे, क्या क्या संभालूं मैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, हे भगवान। चुना माफी कहाँ है, दे रहे तो मैंने पौधा लगा दिया है, अब 5-10-15 दिन वेट करते हैं जब वो निकल जाएगा पौधा, 5 बीज थे उसमें, 5 बीज मैं लगा दी हूँ, और देखते हैं, क्योंकि बाहर से बार बार फूल तोड़ के लाना है, घर में ही लगा दिया मैंने कि सही है कि घर में ही से आराम से तोड़ सकते हैं,
और भगवान जी पर डेली चढ़ा सकते हैं फ्रेश फूल, तो इसीलिए। तो अब मैं जाती हूँ, अब बयान को देखती हूँ बाहर ले जाने के लिए रेडी करती हूँ, क्योंकि शाम भी हो रहा है, 5:30 बज गया, मतलब 5:40 हो गया है। अभियान नो नो, हाँ चलो चलो, मैं और अभियान आ गए हैं पार्क। थोड़ा देर इसको घुमा देती हूँ, बस एक राउंड लगा दूंगी, उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी, क्योंकि शाम हो गया है, ज्यादा लेट हो गया आज, वरना मैं 5:30 बजे तक आ जाती हूँ, आज लेट हो गया है। अभियान इंजॉय कर रहा है, घूम रहा मजे से। बैठो जो ना, ठीक से बैठो। आजो आजो आओ। नहीं आते, बन गया नवरात्रि के लिए पंडाल, दुर्गा पूजा के लिए। तो यहाँ पे होगा रामलीला, ये स्टेज बन रहा है, वहाँ पे बहुत सारी सीट लगती, चेयर लगती, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं बैठ के रामलीला देखते हैं, देख रहे हैं। और यहाँ मेरा अभियान, क्या हो रहा है? तो यहाँ मैं और हस्बैंड और बाबू सब छत पे बैठे हैं, क्योंकि लाइट चली गई थी, इसीलिए छत पे बैठ के इंतजार कर रहे थे लाइट आने का। हेलो गाइस, तो अभी जस्ट लाइट आई है, 2 घंटे तक लाइट नहीं थी घर में, अंधेरे में परेशान हो रहे थे, अभियान भी परेशान हो रहा था, तो भूख भी लगी थी अभियान को, जब तक मैंने उसको फीड करा दिया है। लेकिन अब मैं उसके लिए कुछ बनाती हूँ, जैसे हलवा वगैरह बना देती हूँ, शाम हो गया है तो हलवा खिला दूंगी, चाय भी बनाती हूँ, एक तरफ मफी को खाना भी देती हूँ, और बर्तन भी क्लीन करना है, क्योंकि 2 घंटे से लाइट नहीं थी, किचन में अंधेरा था, पूरे घर में अंधेरा था, तो मैंने कोई काम कम्प्लीट नहीं किया, अभी करना है। चलिए काम कम्प्लीट करते हैं, आप लोग से मिलते हैं। तो यहाँ मैंने चाय चढ़ा दिया है, और यहाँ पे अभियान के लिए मैं साबुदाना बना रही हूँ, और गैस वैस को क्लीन करना है मुझे अभी, और यहाँ पे बर्तन भी धोना है, तो सारा काम कम्प्लीट कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह साफ कर लेती हूँ। किचन की हालत देखो मेरी, अभी मुझे इसको साफ करना है। चाय भी बन गया है, और अभियान का साबुदाना भी बन गया है। अब इसमें मैं डालूंगी गुड़, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा गुड़ दूंगी, इससे भी आधा गुड़ दूंगी मैं अभियान को इसमें ग्रेट करके। तो यहाँ हो गया चाय, अभियान का खाना, अब मैं जा रही हूँ अभियान को खिलाने। तो गाइस अभी बज रहे 9, अभी बज रहे 9, और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही मार्केट से आई हूँ, थोड़ा फ्रूट्स वगैरह लेने गई थी, क्योंकि अभियान को मतलब रास्ता खुदा हुआ है तो हम गाड़ी लेके जा नहीं सकते हैं, पर अभियान भी सोया नहीं था, तो इसलिए हस्बैंड उसको संभाल रहे थे, और मैं चली गई थी बाजार पैदल, क्योंकि घर के पास है, और जो दूर वाला बाजार है वहाँ पे गाड़ी लेके जाना पड़ता है, तो सामने से ही लेकर आ गई मैं। फ्रूट्स ले आई, कुछ सब्जियाँ ले आई, क्योंकि अभी
हस्बैंड उपवास रखते हैं तो इसीलिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, और रात का डिनर क्या बनाना है उस वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और 9:30 बज रहा है। अभियान उठ गया था सोकर, इसलिए मैं उसको सुला रही थी तो लेट हो गया। अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाती हूँ, और डिनर में बनाएंगे पनीर और मटर की सब्जी और कचौड़ियाँ, क्योंकि आज हस्बैंड को थोड़ा अच्छा बना के खिला देती हूँ, कल से उपवास रहेगा उनका इसीलिए। चलिए वीडियो में बने रहिए, और रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत लेट हो गया है, जल्दी जल्दी काम करना है, खाना बनाना है, 9:30 बज चुका है, बिल्कुल एग्जैक्ट 9:30 बज रहा है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ मैंने पनीर काट लिया है, मटर भी धो लिया अच्छे से, काजू लिया है मैंने कुछ पेस्ट बना के ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ पनीर, पनीर भी भुन रहा है, ऑलमोस्ट भुन गया। मैं इसको निकाल लूँगी, ज़्यादा लाल नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा अगर ब्राउन कर दूँगी तो पनीर सॉफ्ट नहीं रहेंगे, कड़े हो जाएंगे, इसलिए अब मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ पनीर भी भुन गया है और यह मसाला भी भुना रहा है। इसको 5 मिनट भुनेंगे। यहाँ मैंने कचौड़ियाँ भी बेल के रख ली हैं, थोड़ी सी और बेलनी है, थोड़ी सी बेलनी है। मैं यहाँ तेल भी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी कचौड़ियाँ। यहाँ बन गया हमारा मटर पनीर, और यहाँ कचौड़ियाँ भी हो गई है ऑलमोस्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा मटर पनीर बनकर तैयार हो गया था, और कचौड़ियाँ भी तल ली थी, और हम लगाए थे डिनर करने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ खाना, और आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया था। तो ये था मेरा पूरे दिन का रूटीन, मैं कैसे काम करती हूँ, कैसे बच्चे को संभालती हूँ, और खाना बच्चे को कैसे बनाती हूँ, तो ये सब मैं आपके साथ शेयर कर ली हूँ। और ये हम जब डिनर कर लिए तो उसके बाद फिर हम क्या किया, व्यान को खिलाए और फिर हम सो गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।